हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस बताने से पहले मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको फील्ड, क्योंकि जैसे ही मैं वेक्टर स्पेस बताऊंगा तो वहां पर फील्ड का डिस्कशन तो होगा ही होगा। तो फील्ड में यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वेक्टर स्पेस बताने के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो काम आएगा आपको, वो काम आएगा। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फील्ड, तो फील्ड की डेफिनेशन बताऊंगा और कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग उसका, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फील्ड। फील्ड डेफिनेशन है फील्ड की, इफ अ सेट एफ डस नॉट इक्वल टू फाई, इफ अ सेट एफ डस नॉट इक्वल टू फाई विद two binary operation like plus and dot, if a set does not equal phi, non-empty set मैंने यहाँ पर लिया है, with two binary operation addition and multiplication, then f plus dot is called field। If यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है, लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देन एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड फील्ड। इफ लाइक फर्स्ट है मेरे पास एफ प्लस, क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, इज अबेलियन, एंड सेकेंड है मेरे पास एफ स्टार। स्टार्ट मीन्स व्हाट, स्टार मीन्स एफ माइनस जीरो। यहां पर मैंने क्या किया है, जीरो एलिमेंट हटा दिया है। स्टार मीन्स, जैसा कि मैंने ग्रुप थ्योरी में बताया था आपको, तो इस चीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एफ स्टार मीन्स एफ माइनस जीरो डॉट इज अबेलियन। अगर मेरे पास एफ प्लस अबेलियन है एंड एफ स्टार डॉट अबेलियन है, एफ स्टार डॉट मीन्स एफ माइनस जीरो, तो अगर ये मेरे पास अबेलियन है तो हम लोग बोलते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, थर्ड है डॉट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि ये तीन प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं फील्ड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फील्ड मतलब ओवर एडिशन, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पर, हाँ इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इसको बताता हूं मैं। ए डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एंड राइट अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो यहां पर a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, तो ये मेरे पास ये फॉलो करनी चाहिए फ्रेंड, ये फॉलो करनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो हम बोलते हैं कि f क्या है, f प्लस डॉट फील्ड होगा फ्रेंड। तो ये फील्ड की डेफिनेशन थी। और अब एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल है मेरे पास लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास q प्लस डॉट, सेकेंड एग्जाम्पल है r प्लस डॉट, थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास c प्लस डॉट, एंड फोर्थ एग्जाम्पल है zp एडिशन मॉडुलो p डॉट p। तो इन सब के बारे में आप जानते ही हैं, क्यू एडिशन एंड डॉट। आप देखेंगे यहां पर क्यू प्लस क्या होगा, अभिलन होगा, जैसे कि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था। और क्यू डॉट, क्यू स्टार डॉट, क्यू माइनस जीरो डॉट के स्टूडेंट क्या होगा, वो भी अभिलन होगा। अभिलन कैसे चेक करते हैं, जैसे कि हम लोग वहां पर ग्रुप में चेक करते थे वैसे ही चेक करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं फोर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, वो कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्यू प्लस डॉट क्या होगा, फील्ड होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, इसी तरह आर प्लस भी होल्ड करेगा। मैं यहां पर दिखा नहीं रहा हूं, बस यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं आपको इस चीज को कि क्यू प्लस क्या होगा, फील्ड होगा, आर प्लस डॉट भी फील्ड होगा, सी प्लस डॉट भी फील्ड होगा, जेड पी, और जेड पी से भी आप अच्छे से इसको जानते हैं, जेड पी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप, आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखा है, जैसे हम लोग जेड एन में पढ़ते थे एडिशन मॉडुलो एन, तो वो यही है, बस पी क्या है प्राइम। तो जेड पी भी क्या होती है, फील्ड होती है फ्रेंड। पी क्या है यहाँ पर, प्राइम है, जेड पी एडिशन मॉडुलो पी डॉट पी, ये भी फील्ड बनाता है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये जेड पी एडिशन मॉडुलो पी क्या बनाएगा, यहां पर अबेलियन होगा, जेड पी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ये मेरे पास क्या होगा, ये भी अबेलियन होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गए। हाँ, फिफ्थ एग्जांपल एक मैं लेता हूं, यहां पर एक सेट लिया है मैंने एफ इज इक्वल टू
ए ए ए ए लाइक मैट्रिक्स मैट्रिसेस का एक सेट है सच दैट ए बिलोंग्स टू आर. ये मेरे पास एक सेट है, क्या ये फील्ड होगा, क्या ये फील्ड होगा, इसको चेक करना है आपको. अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहां पर एफ प्लस करूंगा, एफ प्लस करूंगा तो ये मेरे पास अभिलन होगा, क्योंकि जैसे ही आप प्लस करेंगे दो मैट्रिक्स को आपस में एस इस टाइप की आप दो एलिमेंट लाइक दो मैट्रिक्स लेंगे और उनको आपस में एडिशन करेंगे तो इसी में आएगा, तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएगा. लाइक अबिलियन यहां तक आप कर लेंगे एफ प्लस तक. ये मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ग्रुप थ्योरी में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको और सब कुछ आप चेक कर सकते हो, इजिली चेक कर सकते हो. तो यहां पर मैं अब वो तो करके नहीं दिखाने वाला हूं. तो F प्लस अभिलन होगा, इसी तरह F स्टार भी करेंगे तो 1/A इनवर्स भी आएगा और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा. तो ये F स्टार डॉट जो होगा ये भी अभिलन होगा. और यहां पर अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे इसकी. तो ये भी क्या होगा, फील्ड होगा फ्रेंड, ये भी फील्ड होगा. ओके, अब यहां पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं जो कि थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. F मैंने एक सेट लिया है R प्लस और यहां पर एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया है लाइक ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर लॉग बी. तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर लॉग बी. ओके, और ये मेरे पास सेट है. अब ये मुझे चेक करना है कि क्या ये फील्ड होगा. अब मुझे यहां पर यह चेक करना है कि क्या ये फील्ड होगा. देखिए जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा उनको बहुत अच्छे से आपको देखते रहना है, जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता चलूंगा उनको आपको अच्छे से देखते रहना है. वो बाद में सब काम आएंगे, सारे वो बाद में काम आएंगे, एग्जाम्पल ही सब कुछ है. अगर काउंटर एग्जाम्पल आप बनाते हो कुछ भी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो काउंटर एग्जाम्पल काम आते हैं. अगर जैसे आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, जैसा कि मैं बताते चला आ रहा हूं आपको, पहले से ही बताते चला आ रहा हूं, ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया, रियल सीज में मैंने बताया आपको कि काउंटर एग्जाम्पल देखना है तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे आप उतने ही एग्जाम्पल वैसे ही तो सोचोगे. तो एग्जाम्पल जो जो मैं बताता रहूंगा आपको उनको अच्छे से देखना है. तो ये क्या फील्ड होगा इसको मैं चेक करता हूं, इसको मैं चेक करके दिखाता हूं फ्रेंड. अब आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले मैं अबेलियन चेक करूंगा, यहां पर मैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में चेक करूंगा F प्लस अबेलियन. तो R प्लस कॉमा प्लस करूंगा तो ये अबेलियन होगा, R प्लस कॉमा प्लस करूंगा तो ये अबेलियन होगा. दो एलिमेंट आप पिक करोगे वो बाइनरी ऑपरेशन लाइक उसी तरह हम लोग वर्क करेंगे. ओके, और फिर उसी तरह R प्लस स्टार लाइक R प्लस माइनस जीरो अगर मैं करूंगा तो डॉट के सेट पे भी अबिलियन होगा. तो दोनों प्रॉपर्टी हो गई. अगर मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, लाइक मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आना चाहिए मेरे पास. मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आना चाहिए फ्रेंड. ओके, तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं. पहले यहां पर ये लेके चलता हूं ए डॉट बी प्लस सी. अगर मैं यहां पर ए डॉट बी प्लस सी कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पर बी प्लस सी इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. यहां पर बी प्लस सी जो है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. ए प्लस बी क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए डॉट बी सी, ए डॉट बी सी. ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं अब ये मेरे पास ये ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया और ए बी इसको से क्या है ए टू द पावर लॉग बी. तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, कैसे, ए टू द पावर लॉग बी सी. तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं आप देख सकते हो. तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं यहां पर और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई. ओके, तो ए टू द पावर लॉग बी सी. ओके, अगर मैं यहां पर राइट की बात करूंगा, अगर मैं यहां पर राइट की बात करता हूं ए डॉट बी, अब देखिए ए डॉट बी अगर मैं देखूंगा यहां पर तो यहां पर क्या लगाऊंगा ए टू द पावर लॉग बी. यहां पर मैंने क्या किया ए टू द पावर लॉग बी. इसी तरह ए डॉट सी अगर मैं करूंगा तो ए टू द पावर लॉग C, a to the power log C. अब आप देखिए ये मेरे पास एक a हो गया, ये b हो गया. अगर देखा जाए ये a हो गया a plus b. अब a plus b के बीच में ऑपरेशन क्या है, a dot b है. a plus b ये क्या है, a dot b. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a to the power log b, a to the power log C, a to the power log b into a to the power log C. तो बच्चों का खेल है भाई, a to the power log b into a to the power log C. बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, a to the power log b plus log C, which is equal to a to the power log BC, a to the power log BC. तो ये मेरे पास इक्वल आ गया फ्रेंड. तो हमें यही करना था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर मैंने होल्ड कराई इसको, तो ये होल्ड कर गए फ्रेंड. तो यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई. अगर मैं यहां पर राइट की बात करूं, अब मैं यहां पर राइट की बात कर रहा हूं फ्रेंड, तो राइट में मैंने क्या बताया था आपको,
a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी. देखिए यहां पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, अगर आपको लग रहा होगा ऐसा तो. वैसे इतना नहीं मैं जल्दी चल रहा हूं, ये सब चीजें खैर आप जानते हो, आपने अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है सब कुछ पढ़ा है तो आप ये सब सारी चीजें जानते हो अच्छे से. तो इसे हल्का सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मेन मुझे मैटर पे पहुंचना है. अभी वेक्टर स्पेस से जब स्टार्ट करूंगा तो जो चीजें समझने वाली होंगी उन पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा मैं. ओके तो यहां पर आप देखेंगे कि अब मुझे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखनी है. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी डॉट सी डॉट सी प्लस बी डॉट सी. फिर यहां पर मैं करूंगा ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट सी. ए प्लस बी को क्या लिखूंगा? ए बी लिखूंगा. तो मेरे पास आ गया ए बी, ये डॉट सी आ गया. फिर से वही चीज मैं कर रहा हूं, ए बी डॉट सी, ये आ जाएगा मेरे पास ए बी पावर लॉग सी. लाइक ये मेरे पास क्या होगा? ए टू द पावर लॉग सी एंड बी टू द पावर लॉग सी. ओके तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये किया. अब अगर मैं यहां पर राइट हैंड साइड देखता हूं तो ए डॉट सी, ए डॉट सी मेरे पास क्या होगा? मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा. ए डॉट सी यहां पर क्या होगा? ए टू द पावर लॉग बी, ए टू द पावर लॉग सी प्लस बी टू द पावर लॉग सी. अब देखेंगे फिर से ये चीज, ये ए है ये बी है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप. ओके तो ये मेरे पास क्या होगा? ए इंटू बी हो जाएगा. तो मेरे पास क्या होगा? ए टू द पावर लॉग सी इंटू इंटू बी टू द पावर लॉग सी विच इज सेम. तो यहां पर मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करा दी और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करा दी फ्रेंड. तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया फ्रेंड. तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना है. फील्ड के लिए हमें क्या करना होगा? एफ प्लस अवेलियन दिखाना है, एफ स्टार अवेलियन दिखाना है और थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको होल्ड कराना है. तो बस यही तीन चीजें करनी है हमको, फील्ड प्रूफ हो जाएगा. ओके अब मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं. हाँ यहां पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं जो कि आगे तक आते रहेंगे. अब जो जो एग्जाम्पल लूंगा मैं वो लगभग आगे तक आपको परेशान करते रहेंगे. परेशान करने का मतलब ये है आपके सामने आते रहेंगे, वो दिखते रहेंगे वो सारी चीजें. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्यू ओवर रूट पी. क्यू ओवर रूट पी ये मेरे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ये मेरे पास एक सेट है फ्रेंड, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? आप देख सकते हो ए प्लस बी रूट पी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. तो ये मेरे पास एक सेट है ए प्लस बी रूट पी, इस मतलब क्यू ओवर रूट पी, क्यू ओवर रूट पी, रूट पी. इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ए प्लस बी रूट पी टाइप के एलिमेंट होंगे, ए प्लस बी रूट पी टाइप के. और ए कॉमा बी कहां से आ रहे हैं? रैशनल नंबर से आ रहे हैं. ए कॉमा बी कहां से आ रहे हैं? रैशनल नंबर से आ रहे हैं. मतलब क्या है? इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? वन प्लस टू रूट थ्री ऐसे टाइप के होंगे, वन प्लस थ्री रूट फाइव ऐसे टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे. मतलब एक मैं बात कर एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको. तो ये भी क्या होगा? ये भी फील्ड होगा फ्रेंड, इज अ फील्ड, इज अ फील्ड. ये भी क्या होगा? फील्ड होगा फ्रेंड, इज अ फील्ड विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल, यूजुअल अंडर एडिशन, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन. तो ये भी क्या होगा? फील्ड होगा. आप चेक कर सकते हो, एफ प्लस अवेलियन दिखा सकते हो, दो एलिमेंट लो इसके प्लस करोगे, मतलब बाइनरी ऑपरेशन दिखाओगे, फिर सब समथिंग समथिंग आप करोगे, पूरा अबेलियन दिखाओगे उसको. अबेलियन के लिए भी फाइव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, अबेलियन के लिए फाइव प्रॉपर्टी बताई थी. तो आप देख सकते हो उस चीज के लिए. तो एफ प्लस अबेलियन होना चाहिए, एफ स्टार डॉट अबेलियन होना चाहिए. तो दो चीज मतलब फाइव फाइव प्रॉपर्टी वो हो गई, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराओगे. तो ये भी क्या होगा? ये भी फील्ड होगा फ्रेंड. तो इसको मैं चेक नहीं कर रहा हूं, आप खुद चेक कर सकते हो इसको. ओके तो ये मेरे पास क्या हो गया? फील्ड हो गया. अब यहां पर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिखता हूं, सब फील्ड ऑफ एफ. नेक्स्ट डेफिनेशन है सब फील्ड ऑफ एफ, सब फील्ड ऑफ, सब फील्ड ऑफ एफ, सब फील्ड ऑफ एफ. जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पर ग्रुप थ्योरी में, कैसे पढ़ा था? सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी. तो वहां पर, यहां पर भी सेम ही चीज ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे. तो सब फील्ड ऑफ एफ, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फील्ड का पहली चीज तो वो सबसेट होना चाहिए. कोई भी सेट होगा वो सब फील्ड कब कहलाएगा? पहले तो फील्ड का सबसेट होना चाहिए. तो पहले मैं सेट डिफाइन करता हूं. इफ 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 अ सेट के विच इज अ सबसेट ऑफ एफ, विच इज अ सबसेट ऑफ एफ, एफ डज नॉट इक्वल टू फाइव. एफ यहां पर मैं
नॉन एम्प्टी सेट नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एफ को नॉन एम्प्टी नहीं लिया है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है मेरे पास। इफ अ सेट के विच इज अ सबसेट ऑफ एफ इज सेट टू बी सब फील्ड ऑफ एफ If it is itself a field, जैसे कि मैंने वहां पर सब ग्रुप में आपको बताया था कि कोई भी ग्रुप किसी का सब ग्रुप कब होगा, जब अपने आप में ही वो ग्रुप हो विद सेम ऑपरेशन। तो यहां पर भी सेम लॉजिक है। तो यहां पर क्या है, इट्सेल्फ फील्ड, वहां सब ग्रुप था, तो यहां मैं फील्ड बता रहा हूं, इट्सेल्फ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन। यहां पर देखिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेम ऑपरेशन, ऑपरेशन सेम होना चाहिए। ऑपरेशन कोई दूसरा है, एफ का ऑपरेशन दूसरा है और यहां पर के का ऑपरेशन कोई दूसरा है, तो आप कह रहे हो इसका सब फील्ड है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने चीज क्या बताई, यहां पर ये सबसेट होना चाहिए एफ का, और यहां पर क्या है, सेम ऑपरेशन, ऑपरेशन सेम होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं और खुद में वो फील्ड हो जाए, तो हम बोलते हैं कि क्या होगा, के जो होगा वो सब फील्ड होगा एफ का फ्रेंड। तो ये सब फील्ड की डेफिनेशन हो गई। यहां पर मैं दो पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, इफ के इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, यहां पर मैं दो बातें बताऊंगा। इफ के इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ एंड के इज फील्ड विद सेम ऑपरेशन रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, इफ के इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ एंड के इज फील्ड, then K is proper field of K. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, इफ के इज सबसेट ऑफ एफ, के इज सबसेट ऑफ एफ एंड If K is subset of F and K is field, then ये भी हम कह सकते हैं यहां पर F is super field of K. तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं फ्रेंड। तो यहां पर मैंने दो बातें बताई और सुपर फील्ड की डेफिनेशन बताई। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं फ्रेंड, अभी आपको जैसा लग रहा होगा कि शायद थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, तो कोई नहीं, जैसे जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीज चलेंगी, कुछ चीजें मतलब कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चलेंगी, तो वहां पर आप ऐसा देखोगे कि वहां पर मुझे थोड़ा स्लो पाओगे। तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा हूं मैं। ओके, तो यहां पर मैंने सब फील्ड बताया। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, एग्जांपल है q over root 2। अब भाई q और root 2 से भी आप आराम से पहचान, q और root 2 को भी आप पहचान चुके होंगे। q और root p मैंने जैसे कि बताया था, उसमें एलिमेंट किस टाइप के थे, a प्लस बी रूट पी टाइप के थे। तो यहां पर भी क्या है, q, q root 2 और ये r है मेरे पास, c है, is subfield of c। तो ये जितने भी है मेरे पास q, q और root 2, r, c, ये सब फील्ड हैं c के सब फील्ड हैं विद सेम ऑपरेशन। अगर c प्लस डॉट अगर मैं करूंगा, तो यहां पर भी q प्लस डॉट भी क्या है, फील्ड है, ये भी फील्ड है। मैंने क्या बोला कि इनका पहले सबसेट होना चाहिए, सी के सबसेट सारे सी के सबसेट हैं और अपने आप में ही क्या है, ये फील्ड है, अपने आप में ही क्या है, ये फील्ड है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये क्या है, इसके सब फील्ड हो गए। ओके, इसी तरह मैं यहां पर कर सकता हूं q, q over root 2 and r is sub field of r। ये भी बोल सकता हूं मैं कि q, q over root 2 r is sub field of r। बिल्कुल अच्छा, इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूं q over root 2 is sub field of q over root 2। अब आप देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं q is a sub field of q over root 2, तो ये तो सही है, ठीक है। यहां पर अगर मैं लिखता हूं q is a sub field of q over root 2, क्योंकि q जो होगा फ्रेंड, q सबसेट होगा
q ओवर रूट टू का, q सबसेट है q ओवर रूट टू का। अगर मैं बोलता हूं q ओवर रूट टू इज सबफील्ड ऑफ q, तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि q ओवर रूट टू इसका सबसेट नहीं होता। q ओवर रूट टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ q। तो वहां पर देखिए, पहले मैंने क्या बताया आपको कि वो सबसेट होना चाहिए, कोई भी सेट उसका सबफील्ड है तो पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या वो इटसेल्फ अ फील्ड है, क्या खुद में वो फील्ड है। अगर वो खुद में फील्ड है तो हम फिर बोलते हैं उसको सब फील्ड होगा f का। तो यहां पर भी यही चीज है फ्रेंड कि q सबसेट है q ओवर रूट टू का, तो q सब फील्ड होगा q रूट टू का, लेकिन q ओवर रूट टू q का फील्ड सब फील्ड होगा, क्योंकि सबसेट ही नहीं है तो उसका फील्ड नहीं होगा फ्रेंड। ये मैंने तीन एग्जांपल बताए। और जो ZP होता है फ्रेंड, ZP की बात देखो अभी तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ZP की बात Z ओवर P जैसा मैं बोलूं, ZP की बात मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, जब मैं रिंग थ्योरी बताऊंगा, अगर टाइम रहा तो रिंग थ्योरी बताऊंगा। रिंग थ्योरी TFR में आती है और जैम के सिलेबस में तो नहीं आती रिंग थ्योरी, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगा रिंग थ्योरी में, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको फील्ड के बारे में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। तो ZP एक एग्जांपल और है सब फील्ड का, ZP एडिशन मॉडुलो P डॉट P इज सब फील्ड ऑफ ZP ओनली। तो ZP एडिशन मॉडुलो P जो होती है वो ZP की ही सब फील्ड होती है, केवल और केवल ZP की ही होती है। अच्छा देखिए एक चीज, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया हो, ग्रुप थ्योरी में बताया हो, कि अगर मैं जैसे बात करूं Z6 की, Z6 एडिशन मॉडुलो 6 की बात करूं, क्या ये सब ग्रुप होगा Z12 एडिशन मॉडुलो 12 का, क्या ये सब ग्रुप होगा इसका? ये सब ग्रुप होगा, शायद मैंने आपको बताया हो, तो ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा फ्रेंड। पहली चीज तो ये है कि ऑपरेशन ही चेंज है, एडिशन मॉडुलो 12 है इधर, इधर ये एडिशन मॉडुलो 6 है। आप सोचो कि इसमें एलिमेंट तो ठीक है, सबसेट बना रहा है और खुद में ही ग्रुप है। तो यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 लाइक ये 11 तक आएगा और यहां पर क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन ये अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, ये अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो वो यहां जो 0 होगा वो इसके सिमिलर नहीं है, 0 वो इसके सिमिलर नहीं होगा, तो ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा फ्रेंड, वो इसका सब ग्रुप नहीं होगा। तो शायद मैंने बताया भी होगा उसको, तो वो मैंने बताया भी होगा उसको उस चीज को। तो बस यहां पर ये चीज याद रखेंगे कि ZP जो होगा ZP का ही सब फील्ड होगा, ZP जो होगा वो ZP का ही सब फील्ड होगा फ्रेंड। तो यहां पर मैंने सब फील्ड बताया आपको। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो देखिए अभी वेक्टर स्पेस बताने से पहले थोड़ा सा जो उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड। तो वेक्टर स्पेस बताने से पहले सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन नेक्स्ट है, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है फ्रेंड, अब धीरे धीरे हम लोग वेक्टर स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, इंटरनल कंपोजिशन क्या है? ओके, a composition is star, if u, v belongs to v, यहां पर मैंने दो एलिमेंट लिए, यहां पर मैंने v के दो एलिमेंट लिए, if u, v belongs to v such that u star v belongs to capital V, u star v belongs to capital V। तो यहां पर मैंने क्या बताया है, तो ये होता है इंटरनल कंपोजिशन। मैंने क्या बताया आपको, a composition star is said to be इंटरनल कंपोजिशन इन v इफ यू कॉमा वी बिलोंग्स टू v, इफ यू कॉमा वी बिलोंग्स टू v सच दैट u स्टार v बिलोंग्स टू v एंड इट शुड बी यूनिक
यूनिक, और ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब ये यू स्टार वी कर रहा हो ना तो एक एलिमेंट आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट और आ गया फिर और आ गया, ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक, जैसा कि हम लोग फंक्शन के केस में करते हैं, फंक्शन के केस में करते हैं कि डोमेन की जो इमेज होती है वो यूनिक होती है, तो यहां पर भी क्या है, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए फ्रेंड, ओके। तो अ कंपोजिशन स्टार इज सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन इन वी, वी क्या है, सेट है, अभी वी मेरे पास कोई सेट है V, if U, V belongs to V, such that U star V belongs to V, like इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, U star V, क्या किसमें आना चाहिए, दो एलिमेंट मैंने पिक किए, U star V किया, उनके बीच में ऑपरेशन किया, वो V में ही आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इंटरनल कंपोजिशन, ओके। और यहां पर एक्सटर्नल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूंगा, अ कंपोजिशन लाइक डॉट, अ कंपोजिशन डॉट इज सेट टू बी is set to be external composition if alpha belongs to f, मतलब क्या है, यहां पर मैंने एक फील्ड का मेंबर लिया, एक मैंने क्या किया, एक फील्ड का मेंबर लिया, एक फील्ड का एलिमेंट लिया, alpha belongs to f, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी बोल दूं मैं, यहां पर मैं उसी वी सेट की बात करूं, वी इज अ सेट, वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, मैं ऐसा बोल सकता हूं, कंपोजिशन इन वी इफ अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी, यू बिलोंग्स टू वी, या वी कैन से स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, कुछ भी ले सकते हो आप, स्मॉल यू बिलोंग्स टू वी, सच दैट अल्फा डॉट यू बिलोंग्स टू वी, तो हम लोग बोलते हैं ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ये क्या है, एक्सटर्नल, भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने क्या किए, v के दो एलिमेंट पिक किए, v के अंदर ही अंदर के दो एलिमेंट पिक किए, उनके बीच में ऑपरेशन करा रहा हूं, तो इंटरनल कंपोजिशन, v के आप दो एलिमेंट पिक कर रहे हो, उनके अंदर भी अंदर ही आप कंपोजिशन करा रहे हो, तो वो क्या हुए, इंटरनल कंपोजिशन। और यहां पर आपने क्या किया, एक v का एलिमेंट लिया, एक v का एलिमेंट लिया और एक फील्ड, फील्ड मतलब देखिए q प्लस डॉट r प्लस डॉट zp, जैसे कि मैंने f कई सारे सेट दिए, qp, q और रूट p, इनमें से एक एलिमेंट उठाया और उनके बीच में ऑपरेट कराया, एक मैंने v का एलिमेंट लिया और एक मैंने क्या किया, फील्ड एलिमेंट लिया, उनके बीच में ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहां पर मैंने इंटरनल कंपोजिशन बताया और यहां पर मैंने एक्सटर्नल कंपोजिशन बताया। अच्छा अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए एग्जाम्पल मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल आपके माइंड में होने चाहिए और पढ़ना भी आपको ऐसा ही है, आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, बुक से कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो या कोई भी कॉन्सेप्ट देख रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल जरूर ले लो कि हाँ इसमें यह चीज ऐसा है और ऐसा यहां पर हुआ है, तो चीजें माइंड में रहती हैं, थ्योरेटिकल ऐसे थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला फ्रेंड, तो एग्जाम्पल देखते रहना है, हमें एग्जाम्पल देखते रहना है, ओके। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है, लाइक अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा अच्छे से, सी ओवर सी इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सी ओवर सी, क्या है एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन की देखिए इंटरनल तो होगा, इंटरनल मतलब यह है कि सी के दो एलिमेंट लो ऐड करो, मतलब कोई भी इंटरनल मतलब ऐड या डॉट कुछ भी लगा रहो, डॉट या ऐड करोगे आप कुछ भी करोगे वो सी में ही आएगा, वो इंटरनल कंपोजिशन वो तो होल्ड करेगा। अगर मैं यहां पर एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करूं, यहां पर फील्ड क्या है, फील्ड देखिए ये ऐसा, इसको हम लोग अगर कभी भी मैं ऐसा दिखाता हूं सी ओवर एफ, तो ये जो मेरे पास आता है ये फील्ड का एलिमेंट होगा, मतलब फील्ड होगी, तो सी तो फील्ड होती है, तो सी ओवर सी इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सी ओवर सी, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा, क्योंकि आप सी फील्ड ले रहे हो, मतलब फील्ड सी ले रहे हो, वहां से कोई भी एक एलिमेंट उठा के लाओगे और इसके कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओगे तो वो उसी में ही आएगा, सी में ही आने वाला है, सी में ही आएगा, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा फ्रेंड, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सी ओवर आर इज एक्सटर्नल कंपोजिशन सी ओवर आर, और यहां पर बात करूं R ओवर Q इज एक्सटर्नल कंपोजिशन R ओवर Q, और इसी तरह बात करता हूं R ओवर Q रूट टू, R ओवर Q रूट टू, और इसी तरह अगर मैं बात करूंगा Q रूट टू ओवर R, Q रूट टू ओवर R, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं R ओवर C कर दूं,
एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए, लाइक आर ओवर सी. इसी तरह क्यू रूट टू ओवर क्यू कर दूं, क्यू रूट टू ओवर क्यू कर दूं. तो क्यू रूट टू ओवर क्यू क्या ये करेगा? अब आप देख सकते हैं, अब देखिए इनमें मुझे चेक करना है तो ये तो करेगा. ओके, सी और आर की देखते हैं हम लोग भाई. फील्ड से, फील्ड क्या है? आर है. आर का कोई भी एलिमेंट लाओगे, सी के किसी एलिमेंट से चिपकाओगे, वो क्या आएगा? सी का ही एलिमेंट आएगा. तो ये भी मेरे पास क्या होगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा. ओके, इसी तरह मैं बात करता हूं आर ओवर क्यू की. क्यू क्या है यहां पर? अब फील्ड यहां पर क्या है? क्यू है. यहां पर फील्ड क्या है? क्यू है. तो अब क्या होगा यहां पर कि क्यू, क्यू से कोई भी एलिमेंट लाओगे, आर के किसी भी एलिमेंट से चिपकाओगे, वो आर में ही आने वाला है. तो ये भी होल्ड करेगा. अब देखिए यहां पर आर ओवर क्यू रूट टू, यहां पर भी सेम है भाई. क्यू रूट टू क्योंकि ये सबसेट है ना इसका. क्यू रूट टू का कोई भी एलिमेंट लाओगे, आर के एलिमेंट से चिपकाओगे, वो इसी में ही आएगा, आर में ही आएगा. ये भी होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा. एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, बस उसी को माइंड में करो, उसी से लिंक करो और आपको वो चीजें दिखेंगी. ओके, यहां पर बात करता हूं क्यू ओवर रूट टू इंटू आर, सॉरी क्यू रूट टू, क्यू ओवर रूट टू ओवर आर, ओवर आर, क्यू रूट टू ओवर आर. यहां पर अब फील्ड क्या है? आर है. तो अब बताइए क्या ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा? क्या ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है, यहां पर जो फील्ड होनी चाहिए वो उसका सबसेट होना चाहिए. यहां पर जो कभी भी आप अगर लिख रहे हो, कोई सेट है मान लीजिए, जैसे एफ सेट, लाइक एफ ना लेके मैं यहां पर कोई ए सेट ले लेता हूं या वी सेट ले लेता हूं, और यहां वी ओवर एफ, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए. पहली चीज तो ये इसका सबसेट होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहां पर कि आर जो है क्या इसका सबसेट है? आर इसका क्या है? सुपरसेट है. आर इसका सुपरसेट है. तो यहां से अगर मैं आर से एक एलिमेंट ऐसा लाऊंगा, एक अनदर एलिमेंट एक ऐसा भी ला सकता हूं जो इसके साथ, लाइक इसके साथ ऑपरेट करूंगा, ऑपरेट करूंगा, तो वो क्यू रूट टू में आएगा ही नहीं, क्यू रूट टू में नहीं आएगा फ्रेंड. तो ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा. ये मेरे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा फ्रेंड. ओके, अब आप देख सकते हो जैसे कैसे नहीं करेगा, देख सकते हो आप. यहां से मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको. क्यू रूट टू है तो इसका एक एलिमेंट मैंने बी रूट टू ले लिया, बी रूट टू, ये भी तो एक इसका एलिमेंट होगा क्यू रूट टू का. और मैंने आर से क्या किया, एक एलिमेंट ले आया रूट टू, और रूट टू को इस पर ऑपरेट कराया, मतलब डॉट मल्टीप्लिकेशन कराया, तो ये मेरे पास क्या हो गया? बी हो गया, विच इट डज नॉट बिलोंग टू क्यू और रूट टू. यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्यों एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं कर रहा है. एक्सटर्नल कंपोजिशन मैंने क्या बताया, अल्फा डॉट यू, अल्फा डॉट यू, अल्फा कहां से ला रहा हूं मैं? यहां पर फील्ड से ला रहा हूं. अल्फा डॉट यू बिलोंग करना चाहिए आपके उसमें ही, वी में ही बिलोंग करना चाहिए. तो यहां पर ये नहीं आ रहा फ्रेंड. ओके, आर और सी इसी तरह देखोगे आप. आर का एलिमेंट आप लोगे, सी का कोई आयोटा ले लो, आयोटा ले लो, और आर का कोई टू या थ्री ले लो, चिपका दो, टू आयोटा बन गया. आर में कहां आया? नहीं आया ना. तो इसका मतलब ये भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा फ्रेंड. इसी तरह आप यहां देख सकते हो क्यू रूट टू ओवर क्यू, ये तो आराम से करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट है. पहली चीज में सबसेट ही देखो यहां पर. अगर देखिए ये चीजें हैं, ये सब आगे काम आएंगे, अब आपके ये सारी चीजें आगे आपके काम आएंगी. तो यहां पर क्यू रूट टू ओवर क्यू, तो क्यू जो होता है इसका सबसेट होता है, तो यहां पर क्या होगा? ये भी होल्ड करेगा फ्रेंड. तो ये भी होल्ड करेगा एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये भी होल्ड करेगा. तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, यहां पर ये फिनिश होता है फ्रेंड. तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको बताऊंगा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और आगे स्टार्ट करूंगा फ्रेंड.